गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस द एक्सप्लोरर। आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। और मैं आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि मैं इससे पहले ट्रिप पे था ईरान और इराक के अंदर, और ईरान और इराक की ट्रिप मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं आ चुका हूँ अभी मुंबई। और मुंबई में अभी रमज़ान चल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि माह रमज़ान चल रहे। रमज़ान जो है हमारा पावन महीना है, या आप कह सकते हो बहुत बरकती महीना है। तो उसके लिए एक जगह है स्पेशल, जो इफ्तार के लिए लोग जाते हैं या सहरी के लिए लोग जाते हैं, जिसे कहते हैं मोहम्मद अली रोड। मोहम्मद अली रोड जाने का प्लानिंग है मेरा अभी, तो मैं निकल रहा हूँ कुछ समय में। तो मैं आप लोगों को मोहम्मद अली रोड पे रास्ते में भी मिलूँगा, थोड़ा सा दिखाऊँगा आपको, और आगे मोहम्मद अली रोड पे मैं क्या खाने वाला हूँ, क्या चीज़ें मिलती है स्पेशल। ये क्योंकि ये जो वीडियो है ये सिर्फ रमज़ान के लिए है, क्योंकि ये दुकानें सिर्फ रमज़ान में लगती हैं। और जो ये रौनक और चकाचौंध रहती है ये सिर्फ रमज़ान के महीने, रमज़ान के पाक महीने में रहती है। तो मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा, और मैं क्या खा रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और मेरे साथ मेरी बहन भी आ रही है, और मेरा बहन का बच्चा भी आ रहा है, मेरा नेफ्यू भी आ रहा है साथ में। तो हम लोग सब जा रहे हैं, तो अभी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। अगर कुछ मुझे लगा दिखाने जैसा तो दिखाऊँगा मैं आप लोगों को, वरना आप लोगों सीधा मिलते हैं मोहम्मद अली रोड पर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरी जर्नी तो ख़त्म हो चुकी है, बट मेरे व्लॉग्स अभी भी पेंडिंग है आना। आप लोगों को व्लॉग एवरी थर्सडे और मंडे को मिलते रहेंगे 7 PM शार्प। और जो मेरी जर्नी रहेगी आगे की, वो मैं कंटिन्यू करूँगा आगे जा करके, और आगे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, बट उससे पहले ये व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। और मैं इंडिया खाली रमज़ान के लिए आया हूँ, और रमज़ान के अंदर जो मैं स्पेशल ये जगह के मैं जा रहा हूँ, ये जगह का मैं सोच रहा हूँ करके व्लॉग्स रमज़ान में ही आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये जगह की रौनक और जो चकाचौंध है वो देखने आपको सिर्फ रमज़ान में मिलेगी, और ये स्पेशल रमज़ान के लिए व्लॉग्स है। तो ये व्लॉग मैं पहले डाल दूँगा और वो व्लॉग आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मोहम्मद अली रोड, और मोहम्मद अली रोड के ऊपर जो चकाचौंध है वो काफ़ी दूर से शुरू हो जाती है। और आप आजू बाजू में जो स्टॉल्स देख रहे हो वो स्टॉल सुबह 6 बजे तक ऑपरेट करते हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, मोहम्मद अली रोड के ऊपर अगर आप आ रहे हो तो आप 2-व्हीलर लेके आइए, 4-व्हीलर अवॉइड कीजिए लाना, और अगर आना ही है तो आपको प्राइवेट व्हीकल मत यूज़ कीजिए। आप जो यूज़ करने वाले हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लीजिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये रोड ओवरक्राउडेड रहता है बहुत, और साल के 12 महीने क्राउडेड रहता है ये रोड, मगर रमज़ान के अंदर इसका क्राउड बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत फेमस एरिया है खाने पीने की चीज़ों के लिए, और लोग रमज़ान में खाने पीने के लिए यहाँ आते हैं मोहम्मद अली रोड के ऊपर। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप अपने व्हीकल जो ला रहे हो वो बाइक लेके आइए। हम लोग पहुंच चुके हैं मीनारा मस्जिद, जो कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, और अभी मैं आपको बताता हूं माहौल ज़रा सा, और चकाचौंध जो है वो दिखाता हूं। बैरिकेड देख रहे हो, यहां से आप एंटर हो गए, और एंटर होते ही आपको ये पूरा माहौल दिखेगा। और आपको सबसे पहली जो दुकान, फेमस दुकान है मिठाई की, वो है सुलेमान उस्मान मिठाई वाला। और आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत सा माहौल लगा हुआ है, भीड़ देख सकते हो आप। जूस का स्टोर है बहुत सारे, फुल ग्लास है, हाफ ग्लास है, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़ प्राइसिंग में, अलग अलग प्राइस में। और बहुत ही बेहतरीन फ्रेगनेंस आ रही है, इतने सारे टिक्का वगैरह लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप क्राउड देख ही सकते हो। बहुत सारी होटल्स है यहाँ पे आस पड़ोस में, आप देख ही सकते हो चारों तरफ होटल्स है। बट मैं स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने आया हूँ, और मैं ज़्यादा करके ट्राई करूँगा कि मैं स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करूँ। इसकी सबसे पहली चीज़ जो हम खाने वाले हो तिरंगा शॉर्मा, और रोटी के ऊपर चिकन की बारिश होते हुए। Is it worth the hype? 10 out of 7. 7 out of 10. 7 out of 10. Mm-hmm.
अबे मैं यहाँ पे हैदराबाद के एक एकदम फेमस आइटम पत्थर गोश्त वो भी अवेलेबल है। ये मेरी बहन का लड़का है, ये भी एंजॉय कर रहा है। तो बाजू में चार मीनार का हलीम भी मिल रहा है, बहुत फेमस शॉप है ये भी। बस ये भी एक फेमस चीज़ है, इसको नान बोलते हैं, छोटी वाली नान चाप बनाने के लिए यूज होती है, और छोटी पाव भी है। नाने 6 रुपीज़ पर पीस है, पाव है 36 रुपये दर्जन है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा करके, ये जो जगह पे आप आए हो यहाँ पे वेज के अंदर ऑप्शंस बहुत कम है, मगर आप अगर चाहते ही हो खाना तो एक ऑप्शन ये स्प्रिंग रोल है। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए खाने के लिए तो आप मिठाइयाँ ट्राई कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जलेबी वगैरह, और अगर आपको पीना है तो आप जूसेस वगैरह ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मोमोज भी मिल रहे हैं, कुछ फ्राइड है, कुछ स्टीम्ड है। छोटा सा स्टॉल है बट चीज़ एकदम टेस्टी दिख रही है, तो मैं रुक गया हूँ यहाँ लेने के लिए, तो देखते हैं टेस्ट करते और बताते हैं। वो प्लेट बना रहे हैं, मतलब 60 रुपीज़ प्लेट है। इस मोमोज के 2 डिप्स मिले हुए, एक मेयोनीज और एक शेजवान चटनी, ट्राई करते हैं। तो मैंने फ्राई वाला ट्राई किया अभी, काफी टेस्टी है, 8 out of 10 दे सकते हैं इसको। और अभी स्टीम वाला ट्राई कर रहा हूँ मैं, रेड सॉस के साथ, फीलिंग वगैरह काफी अच्छी की हुई, और रेड सॉस काफी टेस्टी है। भाई क्या टाइमिंग पे लगाते हैं आप? 6 बजे से? 6 बजे से? सुबह 6 बजे। भाई आवलो, एप्पल, मैंगो, कलिंगर, मोहब्बत, शरबत। मैंगो तो नहीं, काफी अच्छा है। बोलो भाई, बोलो बोलो। तो हर चीज जो यहाँ स्टॉल पे बिक रही है सब 20 रुपए की है, मोहम्मद अली रोड पे ही है, मोजीतो वगैरह सारी चीजें, अल हरम होटल के सामने ही है एग्जैक्टली इनका स्टॉल। सर बना दो एक अपना वाला भी टेस्ट करके देखो। एक और फेमस आइटम है बुरहानपुर जलेबी, आप राज देखी सकते हैं। एक और बहुत फेमस जॉइंट है बड़े मियाँ, इनकी बहुत सारी डेलीकेसीज बहुत फेमस है। क्या क्या है बताओ ना, क्या क्या है भाई आपके पास? चिकन का प्लेटर में आएगा, मलाई रोल सब मिक्स है, रशियन कबाब है, चिकन चलिस्टी है, चिकन स्प्रिंग रोल है, चिकन मलाई टिक्का, रिस्पी टिक्का, पारी टिक्का, सब प्लेटर में, मिनी वाला प्लेटर बनता है उसका, उसमें सब आता है। मिनी प्लेटर बना दो, मिनी प्लेटर में सब आता है। और बाकी ग्रिल में ये चीज़ तो चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, रिस्पी टिक्का, पारी कबाब, चिकन सीख, खीरी, कलेजी बोटी, ये सब आए, और खीरी कलेजी ये सब भी। कितने का ये प्लेटर? 300 300। तो एक प्लेटर लिया है हम लोगों ने जो 300 रुपये के करीब है, इसमें बहुत सारी आइटम्स है और बहुत सारी डिशेज है, टोटल 11 आइटम के आसपास है, तो देखते हैं एक एक ट्राई करके। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन है, पूरा पूरा प्लेटर बहुत डिलीशियस लग रहा है और टेस्ट बहुत लाजवाब है। इसे सैलेड चटनी वगैरह दिया गया है, टेस्ट काफी अच्छा है। जो प्लेटर हमने खाया है वो जमजम स्टोर के नीचे ही प्लेटर की दुकान है, वो हमने जस्ट ट्राई की है, और बहुत
बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे दुकानदार है। उन्होंने हमें पानी वगैरह ऑफर किया है, बहुत सारी चीज़ें ऑफर की। जो मेरे भाई मिठाई या मेरी भाई या बहन जो मिठाई खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख ही सकते हो। पूरी लाइन से मिठाई की दुकान है और उनके पास इतने सारे ऑप्शन है जिसका हिसाब नहीं है। कि हमारे एंड कर रहे हैं हम अपनी वीडियो के साथ ये खाने पीने की वीडियो। हम जा रहे हैं नूरानी में मिल्क पीने, नूरानी का दूध मसाला दूध बहुत फेमस है, उसके लिए लाइन लगी हुई आप देख सकते हो। वही लेते हैं पीते और निकलते हैं यहाँ से। तो ये आ गया हमारा मसाला दूध, बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ है, इसके लिए हम लोग रिटर्न। अभी हम लोगों ने ये बाहर आ चुके हैं, बाहर आके अभी हम लोग ये दूध पी रहे क्योंकि अंदर खड़े रहने की भी जगह नहीं थी। और अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी इसी वीडियो के साथ अभी हम लोग आगे शूट करने वाला हूँ मैं, तो इसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो सेकेंड पार्ट आपको कपड़े का मार्केट आएगा वो बताऊँगा, और मैं जो शॉपिंग करने वाला हूँ वो बताऊँगा।